हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल मैथ्स टाइम विद सागर राय में। मैं आज फिर एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो बिना किसी देरी के आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, प्रूव 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 10 थीटा बाय 2। तो ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं LHS से। तो 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करने जा रहा हूँ, इस ये 1 माइनस कॉस थीटा को अरेंज करता हूँ और लास्ट में मैं लिखता हूँ प्लस साइन थीटा। और नीचे भी क्या करते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा को मैं पहले लिखता हूँ, उसके बाद प्लस साइन थीटा बाद में लिखता हूँ। तो 1 माइनस कॉस थीटा जो है ये फॉर्मूला है, जैसे कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होगा 2 cos² θ - 1। अगर इसको मैं इस साइड में लाऊंगा तो क्या होगा, कॉस 2 θ + 1, मतलब हो जाएगा 2 cos² θ। तो 1 प्लस cos² θ मतलब हो जाएगा 2 cos² θ। तो सिमिलरली अगर कॉस 2 θ का साइन वाला फार्मूला लगाएंगे तो 1 - 2 sin² θ होगा, और 2 sin² θ का वैल्यू होगा 1 - cos² θ। तो ये मल्टीपल कंपाउंड एंगल का फार्मूला हो गया। तो इसका सब मल्टीपल वाला फार्मूला जो है cos θ + 1 हो जाएगा 2 cos² θ / 2। सिंपल भाषा में अगर यहाँ पे 2 θ होगा तो यहाँ पे थीटा होगा, तो यहाँ पे भी 2 θ है तो थीटा होगा। अगर यहाँ पे 2 θ के जगह पे थीटा होगा तो यहाँ क्या होगा, इसका हाफ होगा, θ / 2 आ जाएगा। तो सिमिलरली 1 - cos² θ भी हो जाएगा 2 sin² θ / 2। तो मैंने इस क्वेश्चन में जस्ट फार्मूला थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको ये फार्मूला मालूम है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और ये क्वेश्चन जल्दी से जल्दी प्रूव कर सकते हैं। तो उतना वास्ट क्वेश्चन नहीं है, आसानी क्वेश्चन है। 1 - cos θ मतलब हो गया आपका 2 sin² θ / 2। तो सिमिलरली sin 2 θ का फॉर्मूला होगा 2 sin θ cos θ। अगर यहाँ पे थीटा है, 2 θ तो नहीं ना है, तो अगर यहाँ पे थीटा है तो क्या करना है, θ / 2 बनाना है, इसका हाफ बनाना है। ठीक है, ये भी सब मल्टीपल वाला फार्मूला हो गया। तो नीचे भी 1 प्लस cos θ है तो क्या करते हैं, 2 cos² θ / 2 लिखते हैं, और ये sin θ की जगह पे क्या लिखते हैं, 2 sin θ / 2 dot cos θ / 2। उसके बाद यहाँ पे 2 sin² θ / 2 और 2 sin θ में 2 sin θ / 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 sin θ / 2 ले गया तो sin θ / 2 बचेगा, और सिमिलरली यहाँ पे भी 2 sin θ / 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, cos θ / 2 बचेगा। नीचे में जैसे कि 2 cos² θ / 2 और 2 cos θ / 2 कॉमन ले सकते हैं, और नीचे बचेगा यहाँ पे cos θ / 2 प्लस यहाँ पे बचेगा sin θ / 2। sin θ / 2 प्लस cos θ / 2 और cos θ / 2 प्लस sin θ / 2 एक ही चीज़ हुआ, कैंसिल, 2 और 2 भी कैंसिल हो गए। अब यहाँ बचा sin θ / 2 होल डिवाइडेड बाई cos θ / 2, तो ये हो गया 10θ / 2 विच इज इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। अगर मेरा वीडियो आप लोग को सच में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी तक मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और तो आज के लिए बस इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।